मोइज़, माहद, हमजला, उमेर, इमरान सारे हैं। तो फिलहाल आप जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो चलते हैं वहाँ पर बनाते हैं व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह के फजल व करम और शुक्र के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो फिलहाल जी अब हार्वेस्टर आ चुकी है, तो हार्वेस्टर जाने लगी है हमारे खेतों की तरफ कटिंग करने के लिए। तो चलते हैं वहाँ पर, कटिंग दिखाते हैं और जिस तरह हार्वेस्टर हमारी तरफ जाएगी दिखाते हैं। काफ़ी मुश्किल होगी क्योंकि रास्ता छोटा है, तो चलते हैं वहाँ पर जाकर कटाई करते हैं। मोड कटना है जी। ये जगह तुड़ी के लिए बना रहे हैं, यहाँ से जब खाली करेंगे तो ये तुड़ी आ जाएगी यहाँ पर। मशीन के कैबिन में आकर बैठ चुके हैं। ये सारा यहाँ से बाइक ड्राइवर है, ये इसको सारा चलाते हैं वगैरह। तो यहाँ से वीडियो शूट करनी है तो इसका करना है चेंज फिल्टर। ये है भाई सारा चला रहे हैं। ये तकरीबन 3-4 दिन से यहाँ पर हैं हमारे सारे, मतलब के जो भी रिलेटिव्स हैं उनकी कनक वगैरह गंदम वगैरह हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, आज हमारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ से व्यू लेते हैं। तो फिलहाल चेक करते हैं, हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अगर कुछ यूँ व्यू नज़र आता है हर एक चीज़ नीचे नीचे से वेपर, ये वो हर एक चीज़ की कंडीशन। तो यहाँ पर यूँ ड्राइवर जब बैठता है यूँ से नज़र आती है। तो ड्राइवर फिल्टर चेंज करने के लिए गया है, किसी चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको सारा रिव्यू देते हैं। ये इसके कुछ हैंडल्स वगैरह औजार वगैरह हैं, ये कर रहे हैं इस्तेमाल। यहाँ से स्टार्ट होती है ये चाबी जहाँ पर लगी है, ये इसकी है। यहाँ से आगे वाला इसका प्रेशर कंट्रोल होता है। और ये सारा सिस्टम, ये पंखा, ये MP3 के लिए, ये AC के लिए, ये सारा सब किताब है। ये पानी पीने के लिए, और ये नीचे के रेस वगैरह, और ये पीछे जो लाल सा बटन लगा हुआ है ये वाला उसके लिए होता है, जो मतलब के पीछे तुड़ी वगैरह पाते हैं उसके लिए है। फिल्टर चेंज हो रहा है, वो भाई आगे से वो फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं इंजन में। वो ब्लोर है, ब्लोर के साथ उसे अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। और हार्वेस्टर के ऊपर से कुछ व्यू इस तरह का दिखाई देता है, ये सारी गंदे में काटने वाले। वो रहा फिल्टर, देखिए जी फिल्टर की सफाई कितनी मिट्टी निकल रही है। चेक कर रहे हैं फिल्टर से कितनी मिट्टी निकल रही है। जैसे मोटरसाइकिल के गाड़ियों वगैरह के फिल्टर होते हैं वैसे ये फिल्टर है। आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और मिट्टी की वजह से भी। और फिल्टर दोबारा फिक्स करेंगे ये वाले भाई रेड कपड़ों वाले। से पूछ रहे थे कि कितने साल हो चुके हैं भाई को, तकरीबन 9 साल हो चुके हैं ये कंबो वगैरह चलाते हुए।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਬੋ ਕਿਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਬੋ ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਨਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਥੇ, ਹਾਲ ਦੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ। भाई जहां से देख रहे हैं कुछ इस तरह का भी नजर आता है। बाहर की तरफ जी काफी ज्यादा मिट्टी है, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा सुकून है। कोई भी मिट्टी का नामो निशान नहीं है। कैमरे में उतनी वाजे आई थिंक नहीं हो रही होगी जितनी। ओए होए बहुत ही ज्यादा, देखिए कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इतनी ज्यादा मिट्टी हो चुकी है। अब कुछ सामने से व्यू साफ हो गया, ये देखिए। आई होप के कॉपीराइट ना आए सॉन्ग पे। ये ड्राइवर का ही एक्सपीरियंस है जो चला रहे, नहीं तो अब तो मुझे तो सामने से कुछ नजर ही नहीं आ रहा मिट्टी की वजह से। अब कुछ थोड़ा सा साफ हुआ है भाई। इनकी भी कटिंग उल्टी होती है कि जिस तरह ट्रक की ट्राली दन वगैरह ना, इसके भी पीछे वाले टायरों से कटिंग होती है, तो इस वजह से उल्टी ही कटिंग होती है। सीन कुछ ऐसा बन चुका है, बाहर बारिश हो रही है। अब इस कॉम्बो का हार्वेस्टर का फायदा ये है कि अब दाने भी सेव है, जो भूसा वगैरह वो तूड़ी भी सेव है। पीछे जो टैंकी है तकरीबन किन्ने दी है जी? 118 मन दी, यानी कि उनके गंदम पै सकती है 118 मन, तो सारी इन सेव रहेगी। हम तुम खुद अंदाजा लगाओ जो दूसरिया हारवेस्टर होंगे उन्होंने ही नुकसान होंगे। बारिश आ गई तो जमींदार दुख, उस तो बाद अगर नेरी आ गई तो दुख, कटद्या के दरम्यान बारिश आ गई तो दुख। हम बाहर बारिश लगी हुई है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, कोई वजह नहीं है। इस वजह ही अल्लाह ताला की मदद के नाल साडे इलाके विच इस तरह की मशीन बहुत ही ज़्यादा बन रही ने। तो आते हैं लोग मेहनत कर रहे हैं उन्होंने, अच्छे दूसरों में सारियां मज़ा आ रहा इन्हों की। हम की है जी, हम साड़ी गंदम सेव रहनी जो असं टोटल हम इन ना कि हो जानी है, या फिर अद्धी पचद्धी निकलनी हैगी, या फिर जो बारिश बंद होगी उदों ही असं कनक कटांगे गंदम। इन्दे नाल ना कनक खराब होगी ना कुछ। अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र है जी। बस अल्लाह तो दुआ तो यही करांगे जी बारिश रुक जाए, क्योंकि बारिश कनक है पूरे साल की साड़ी रोज। पंजाबी की कहते हैं रोटी टुकर है पूरे साल का कर जा रहा है। अब तो ये दूसरा चक्कर है, लेकिन इसके दरमियान बारिश आ गई है और हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। ये देखिए, ये जो आपको
वाइट वाइट चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये सारी बारिश की हैं। बस अल्लाह बचाए। उधर भी बच्चे कुछ साइडों वाले काट रहे हैं, और उधर से भी वो दो हमारे जो मुलाजम हैं वो काट रहे हैं। साइडों पर थोड़ी थोड़ी सी रह जाती है क्योंकि कटर ख़राब होने का डर होता है। बस अल्लाह से दुआ यही है जी। अब फिर ट्विस्ट आ चुका है, बारिश आज फिर स्टार्ट हो चुकी है बहुत ही तेज़। अंदर तो पता नहीं चल रहा, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, अल्लाह खैर करे। ये देखिए जी, इस साइड पर भी, ये सामने वो रैपर चल रहा है, इस वजह से बारिश का नहीं पता चल रहा। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जी। खेत हरे भरे हो गए, इन खेतों हरे भरे को हमने क्या लेना। बारिश स्टार्ट हो गई है, इस वजह से कम्बो इसी रास्ते, जिस रास्ते से आई थी, घर वापस जा रही है। बस अब क्या कर सकते हैं, अभी भी बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पर उम्मीदें कायम है, अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो जी आपको अब चेक करवाते हैं खंबा कैसे आ जाती है। वो देखें जी, रास्ते के सामने अब खंबा है, खंबे से देखिएगा कैसे खंबा गुजरती है। ये देखिए जी, इतनी बड़ी वो आ गई, क्या उसको कहते हैं, बन्नी वगैरह, इसको कुछ भी पता नहीं। ये देखिए हल्का सा झटका लगा, बस अब ऊपर आ भी गई। और वो साइड से नहीं कर जानी थी, ये दूसरी कसम लोगों की है, बरसेन वगैरह वहाँ से हम गुजार रहे हैं। ये देखे जी, इधर भी डाली, इधर भी डाली, ये सिर्फ ड्राइवरी की वजह से, कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं, बस गुजर गई। ये डाली उधर भी, बिल्कुल उधर भी साथ ही डाली है, ये सिर्फ ड्राइवरी का कमाल है। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से गुजार ली। अब रास्ता जा रहा है घर को, वो सामने अनार जो मैंने एक पहली वीडियो में दिखाया है, अगर नहीं देखा उसका बटन आई लिंक में दे दूंगा, तो आपसे सुबह मुलाकात होगी। साथ में जी देखें जी, धूप भी निकल आई है, मौसम भी इतना सुहाना हो चुका है, लेकिन आज मौसम हमें गंदा लग रहा है क्योंकि हमारी जो है वो गंदम ख़राब हो चुकी है। यह देखें जी, उधर से दीवार बड़ी मुश्किल किस्म की कटाई है, और इधर से गोबर आ गया। ये देखें जी, दीवार के बिल्कुल साथ साथ होती जा रही है। ये चेक करें जी, ये चेक करें जी, मैक्सिमम ये 60-70 लाख की मशीन है, और ऊपर ड्राइवर का भी तो कमाल है। ड्राइवर ही ना तो इतनी महंगी मशीन ख़राब होने का डर है। ये देखे जी, सीधा रास्ता है, लेकिन इधर भी खंबा है, इधर भी खंबा है, तो ये जगह खाली है जी। अब यहाँ से चलते हैं जी सीधी, कितना गोबर था, आराम से कम्बो ये निकल गई। देखें जी सामने धूप भी है, अल्लाह का कुदरत का कमाल है, ये करिश्मा है या कमाल है क्या समझे। और सामने ये दीवार थी है घर की, वो दीवार टूट गई थी, कैसी कटाई थी, वहाँ खड़ी खड़ी मशीन घूम गई है। और इधर से देखें जी, सूरज मियाँ के कमाल, फुल तपिश में लेकिन क्या कर सकते हैं। बस फिलहाल के लिए यही, ये सामने जी डेरा है, डेरे में चलते हैं जी। और ये भाई कटिंग वगैरह करवा रहे हैं सामने, बहुत मेहनत का काम है। आज के लिए मुझे भाई बाबर अली को, जो इस कम्बो के मेन ड्राइवर है, सीनियर ड्राइवर है, दीजिए दोनों को इजाज़त। इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, जो दाने थे हाँ गंदा, वो भी अभी इसमें से पड़ी हुई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो नहीं भीगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ये जी रैम्बो बन चुकी है टोटल, इधर से आकर इस साइड को ये रही रैम्बो, बहुत अच्छी, बहुत आला रैम्बो बन चुकी है। लेकिन आज नुकसान भी हुआ बारिश का, क्योंकि गंदम की कटाई नहीं हुई, कम्बो आके खड़ी हो चुकी है। एक नया दिन, एक नया आगाज़, एक नई सुबह, तकरीबन 11 बज चुके हैं, दोबारा काम शुरू हो रहा है। कनक जो गंदम है वो दोबारा, धूप ज़्यादा थी तो वो खुश्क हो गई है। इधर वो ट्राली आ चुकी है, उसमें अब गंदम डालने लगे, जो कल इसकी टैंकी में ही थी तो सेव हो चुकी है, अब पीछे से आ रही है। तो अब आपको दिखाते हैं गंदम डलती हुई। हाँ
देखे जी वो कल की मिट्टी की वजह से आज भी कितनी मिट्टी हो रही है। तो जी अब थोड़ा निकलना स्टार्ट हो गए क्योंकि अंदर से खाली होता जा रहा है। ये कल वाली जो गंदम थी हार्वेस्टर की टैंकी में वो वाली है। तो जी अब जा रही है खेत की तरफ, तो आपसे खेत में मुलाकात होती है। जी वहाँ से अब भूसा उतारने लगे। मैं फ़िलहाल ट्राली के नीचे बैठा हूँ, ये रही ट्राली और ये रहा ट्रैक्टर। गर्मी ज़्यादा है तो इस वजह से ट्राली के नीचे बैठे हुए हैं और पीछे ट्राली रही। गर्मी की वजह से साइडों पर देखना तो काफ़ी तेज़ है आ रही। तो जी ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ये भी दोनों आए हुए हैं देखने के लिए। और ये रही ट्राली और आगे ट्रैक्टर है और वहाँ पर हमारे वास्तव पंपा खड़ी की हुई है। तो बस फिलहाल अभी आपको दिखा दूँ। गंदम ट्राली तकरीबन आधी से ज़्यादा बनने वाली है। ट्रैक्टर भी स्टार्ट है और बस 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 ड्राइवर जी चेंज हो चुके हैं, ये वाले भाई हैं। तो फिलहाल नीचे जाते हैं। साल पिछले साल वाली से गंदम बहुत अच्छी निकली है, देखें जी कितनी प्यारी गंदम निकली है। तो बस तकरीबन 2 से 3 और चक्कर हो जाएंगे इसके, तो उसके बाद इसको घर लेकर चलते हैं। अब मैं जो काम कर रहा हूँ ये देखें, ये ऊपर से ज़्यादा है और साइडों पर ये देखें कितनी नीचे नीचे। अब यूँ यूँ ला रहा हूँ साइडों पर, चारों तरफों से मैंने अब यूँ करनी है। ये देखें जी ये वो ऊपर से देखे खुद ही आ रही है। तो जी मुजाहिद शेख साइडों से इसको तकरीबन माशाल्लाह लाख 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 शुक्र ट्राली भर चुकी है।
ये आखिरी चक्कर था। बस जी ख़त्म हो चुकी है। हेठां इत्थे सौ 75 फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर चलाया, बहुत ज़्यादा मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो ये पीछे ट्राली थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इस वजह से मैंने काफ़ी गलतियाँ भी की, मिस्टेक भी की, लेकिन आज तो मज़ा आ रहा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा। इस ट्रक का जो हिसाब किताब है यूँ है जैसे गाड़ी पर बैठे हुए, बिल्कुल प्रेशर वाला हैंडल है, आराम से चला सकते हैं, आराम से सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी भी मैं बैठा हुआ हूँ, तो बस वीडियो का मौका नहीं मिला क्योंकि मंदे काम है, मैं अकेला वीडियो बनाने वाला होता हूँ, तो मुइज़ भी नहीं आया, पहले मुइज़ मेरे साथ वीडियो बनाता होता था, बस यही वजह। तो एकड़ का भूसा सारा उतार दिया गया सारा, तो बस अब वो हार्वेस्ट दूसरी साइड पर चली गई है, वो मेरे कज़न लोगों की ज़मीन है, बस फ़िलहाल यही। इस गंदम का मैंने प्रोसीजर तो बताया नहीं, अब इसे घर में लेकर जाएंगे और इसे सेव कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे एक साल का राशन है, कंप्लीट एक साल का राशन है फ़िलहाल यही। तो आगे चलकर आपको दिखाते हैं जब भूसा सेव करेंगे, यानी कि जो उसमें से एक सेव करेंगे वो सारे आपको प्रोसीजर दिखाएंगे। तो फिलहाल यही, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ भी पूछना चाहे कमेंट में पूछ लें, अगर किसी ने मुझसे बातचीत करनी है मैं कहाँ रहता हूँ तो नीचे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज़ वहाँ पर इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए और हम बातचीत करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों से एक तो एक्सपीरियंस शेयर किया नहीं, इधर एक चौक होती है उसे यूँ खेते हैं ट्रक बंद हो जाता है, ठीक है, और इसमें कोई भी ऐसा हिसाब किताब नहीं, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम चला रहा था तो मैं सोच रहा था ये कैसे बंद करूँ, ये अमूमन गाड़ी की तरह से ये इस चाबी से ही बंद हो जाता है, तो इसका प्रेशर हैंडल है, फुल गाड़ी वाला माहौल है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया।